हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटेक एजुकेशन पर। मैं मोहन आज फिर नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज आपसे बात करूँगा हार्डनेस के ऊपर कि आखिर हार्डनेस क्या होती है, किन वजह से हार्डनेस होती है और किन किन मेथड से हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की हार्डनेस होती है ये भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा पूरा हार्डनेस के ऊपर, किसकी, हार्डनेस ऑफ वाटर की। ठीक है, तो इस कोर्स को पूरा देखिए आप, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपकी बीटेक केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर की जो है उसका ये फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हार्डनेस से कि किसी भी वाटर की हार्डनेस क्या होती है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो हार्डनेस होती है हमारी, वो होता है टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आप सब जानते हैं कि कंसंट्रेशन को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम प्लस टू की कंसंट्रेशन प्लस जो हमारा आएगा Mg प्लस टू की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नोन एज वॉट, हार्डनेस। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता चल चुकी होगी कि हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से आयन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्डनेस के लिए, तो जनरली जो आयन्स जो रिस्पॉन्सिबल है, मेजर आयन्स हैं जिसको हम बोलते हैं, वो है हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे माइनर्स जो आयन्स रहेंगे, जैसे आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी वजह से भी हमारे क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि इसकी वजह से भी हार्डनेस होती है, लेकिन ये क्या होता है, एक नॉमिनल अमाउंट में होता है। नॉमिनल अमाउंट में कौन, हमारे आयरन हो गए, मैंगनीज हो गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, नॉमिनल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से हम इनके थ्रू हार्डनेस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पता चल चुका होगा कि हार्डनेस जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स की वजह से होती है, या मैग्नीशियम कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ठीक है, ये हमने देख लिया कि हार्डनेस क्या होती है और किसकी वजह से रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि आखिर हार्डनेस कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो मीन्स टाइप्स ऑफ हार्डनेस, तो जनरली हार्डनेस हम दो टाइप्स की पढ़ने वाले हैं, एक है हमारी टेम्प्रेरी हार्डनेस, ठीक है, दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्प्रेरी और परमानेंट दोनों वर्ड से ही आपको क्लियर हो गया होगा, मतलब टेम्प्रेरी हार्डनेस जो कि कुछ टाइम के लिए हो, बोल सकते हैं हम लोग, टेम्प्रेरी मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, परमानेंट मतलब लॉन्ग टाइम के लिए या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम टेम्प्रेरी हार्डनेस से, क्या कि टेम्प्रेरी हार्डनेस क्या होती है। ठीक है, तो हमारी टेम्प्रेरी हार्डनेस जो होती है बाई कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होती है। ठीक है, अब बाई कार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, और इसको हम आसानी से बॉइल करने पर निकाल सकते हैं। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि क्या, कि टेम्प्रेरी हार्डनेस ऐसी हार्डनेस है जो कि हमारी बाई कार्बोनेट्स किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, और इसको हम आसानी से बॉइल करने पर निकाल सकते हैं। ठीक है, और टेम्प्रेरी हार्डनेस को ही हम कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, क्या, कार्बोनेट हार्डनेस, ध्यान रखना आप लोग, क्या टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस। क्लियर है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की, तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी हार्डनेस जिसको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, ये परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, क्या, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, आप लोग समझ जाना, क्या परमानेंट हार्डनेस को हम नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, और जो परमानेंट हार्डनेस हमारी होती है इसके पीछे जो आयन्स रिस्पॉन्सिबल है या जो कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि परमानेंट हार्डनेस के लिए जो कंपाउंड हमारे रिस्पॉन्सिबल है
वो हमारे क्या हो सकते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स हो सकते हैं, किसके, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। इनको हम बॉइल करने पर रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक बात मैं आपको फिर से यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो हार्डनेस हमारे मल्टीवेलेंट कैटायन की वजह से होती है उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो माइनर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से उनका रोल नहीं आता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से आपको पूरी हार्डनेस अच्छे से क्लियर हो गई कि हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। अब हमने देखी टेम्प्रेरी और परमानेंट हार्डनेस दो देखी थी अभी। टेम्प्रेरी हम सिंपल बॉइलिंग से यूज़ कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, लेकिन परमानेंट के लिए हम लोग कुछ स्पेशल मेथड्स पढ़ेंगे, वो मेथड्स को हम बोलेंगे वाटर सॉफ्टनिंग मेथड फॉर परमानेंट हार्डनेस। वो दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो वो दोनों प्रकार के जो मेथड्स हैं हम वन बाय वन डील करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।